भैयार और राम राम अपन और सुन रहे बुंदेली चुगली रेडियो, हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। इंदौर से है जा खबर, इबेरा की खबरें हैं भैया, कछु बड़ी खबरें भी हैं, कछु छोटी भी हैं, सब मिला के इंदौर से है जा खबर। एक वीडियो वायरल हो रहा कि चूड़ी वाले खां छेड़ छाड़ के शक में जनता ने कुछ इंदौर के बाढ़ गंगा इलाके में रविवार को एक वायरल वीडियो लेकर जम के हंगामा भाव। वीडियो में एक युवक का कछु आदमी मार रहे, दिन भर वायरल भई वीडियो को पता पुलिस को रात करीब 10 बजे चलो। लोगों ने बताओ कि युवक को नाव बदल के चूड़ी बेच रहो तू और महिलन से छेड़छाड़ कर रहो तू, इके बाद उसकी पिटाई कर दी गई। इस घटना के विरोध में सेंट्रल कोतवाली थाने पर एक समुदाय के लोग जुटे और जम के नारेबाजी करी। उनको आरोप हतों को मारपीट में शामिल लोगों पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी। हंगामा के दौरान पुलिस ने थाने को गेट बंद कर दो, बाद में फोर्स पहुंची तो थाने की पुलिस बाहर आई। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज कर ली है। प्रारंभिक जाँच में 3 लोगों को आरोपी बनाओ गए है। पुलिस ने इस मामले में विवेक व्यास और राजकुमार भटनागर को गिरफ्तार करो है। एक आरोपी राकेश फरार बताओ जा रहा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कही है कि गृह विभाग की रिपोर्ट के अनुसार चूड़ी बेचवे गए युवक ने अपना नाम हिंदू रखो तो उनके पास एक तरह के 2 आधार कार्ड मिले हैं। महिलन को चूड़ी पहनावे को लेकर विवाद शुरू भाव तो। अगली खबर है भैया बिजली विभाग से। बिजली कंपनी के यमराज चित्रगुप्त कार्टून से बवाल। मंत्री विश्वास सारंग बोले हिंदुओं की भावनाओं को मजाक उड़ाओ जा रहा, अपसरण पर कार्रवाई करी जाए, CM से करी शिकायत। बिजली कंपनी के एक विज्ञापन ने चित्रगुप्त को कार्टून बनाने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भड़क गए। उन्होंने कही कि मध्य प्रदेश क्षेत्र के विद्युत वितरण कंपनी ने फेसबुक पेज पर भगवान चित्रगुप्त को कार्टून लगाओ है। हमेशा ही से दूसरे लोग हिंदू देवी देवतन को मजाक बना उतरे, लेकिन पहली बार सरकारी विभाग को कंपनी द्वारा ऐसा करो जा रहा। विश्वास सारंग ने कही है कि इसे बनावे वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भव चाहिए। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख के शिकायत भी करी है। उतई कायस्थ समाज ने भी इस कार्टून पर बड़ी आपत्ति जताई है। भावना हो रही आहत। विश्वास सारंग ने कही है कि कार्टून से हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो रही। देश भर में कायस्थ समाज भगवान चित्रगुप्त को अपनो आराध्य मानत है और कोनो सरकारी विभाग या कंपनी के द्वारा मजाक उड़ावो बहुत ही बेहद आपत्तिजनक और घोर निंदनीय है। जांच जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की सहमत से जो कार्टून लगाओ गए है उन पर कार्रवाई करी जाए, जिसे भविष्य में हिंदू देवी देवतन को अपमान करबे से आदमी डरे। कार्टून में ऐसो का है जिसे विवाद भाव। बिजली कंपनी के फेसबुक पोस्ट में यमराज और चित्रगुप्त को कार्टून बनो है। इमें यमराज चित्रगुप्त से पूछत हैं कि चित्रगुप्त इतनी बड़ी लिस्ट की है। ई पे चित्रगुप्त को जवाब है कि बिजली चोरी करबे वालन की, इन्हें नर्क में 448 वोल्ट को करंट लगाओ जो है। इसे भाव भैया जो पूरा विवाद। अब अगली खबर है तालिबानी हुकूमत की। तालिबान ने अमेरिका को दई धमकी। 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान नहीं छोड़ो तो अंजाम भुगतने पड़े है। तालिबान ने अमेरिका को धमकी दई है कि अफगानिस्तान के लोगों को निकालने के मिशन की डेडलाइन को 31 अगस्त के आगे बढ़ाओ ना जाए। अगर अमेरिकी सेना 31 अगस्त के बाद भी इतने पर रुक रही तो अमेरिका को ई को अंजाम भुगतने पड़े है। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कही है कि 31 अगस्त की रेड लाइन हती। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कही है कि उनकी फौज ई तारीख तक अफगानिस्तान से चली जाए है।
इस तारीख को आगे बढ़ावे को मतलब है कि अफगानिस्तान में अमेरिका सेना को अपनों फिर से कब्जा बढ़ा रही है। अगर ऐसा हो रहो तो अमेरिका को इको दुष्परिणाम भी भोगने पड़े। बोरिस जॉनसन कर सकत आपातकालीन G7 बैठक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मंगलवार को इमरजेंसी G7 की बैठक कर सकत मानो जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में सेना को रोकबे की लाने के हैं ताकि लोगों को काबुल एयरपोर्ट से निकालने में और समय मिल सके। हजारों लोगों के संख्या में अफगानी और विदेशी नागरिक काबुल एयरपोर्ट पे इंतजार में बैठे हैं कि उन्हें कोनो फ्लाइट मिले जिसे भी अफगानिस्तान छोड़ के दूसरे देश जा सके। अफगानी सिख ने श्री गुरु ग्रंथ साहब के सिर पे रख लो। हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई। एयरपोर्ट पे कछु भारतीय नागरिक और 46 अफगानी हिंदू और सिख इंतजार कर रहे थे एयरपोर्ट पे। इन लोगों को भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट की तरफ से ले जाओ जा रहा हूँ। इनके पास से 3 अलग अलग गुरुद्वारों से 3 गुरु ग्रंथ साहब भी थे जिनमें 3 अफगानी सिखों ने अपने सिर पर उठाव भाव तो इन लोगों को आज भारत लाए जाने जाने की उम्मीद है। अगली खराब खबर है भैया उत्तर प्रदेश से। नरोरा में गंगा के तट पर आज हुई है कल्याण सिंह को अंतिम संस्कार सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को अंतिम संस्कार आज 23 अगस्त को शाम नरोरा में गंगा नदी के तट पर करूजे है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते भाई प्रदेश में 3 दिन को राजकीय शोक और 23 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित करो है। मुख्यमंत्री ने कही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें इके लाने 23 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी पार्थिव देव के संगे हेलीकॉप्टर में अलीगढ़ पहुंचे थे। वैदिक रीत रिवाज से अंतिम संस्कार करो जय है कल्याण सिंह के दाह संस्कार के लाने 25 किलो चंदन की लकड़ी की व्यवस्था करी गई है। आर समाज के 11 आचार अंतिम संस्कार वैदिक रीत रिवाज से संपन्न करा है। बताओ गौ है कि चंदन ढक पीपल और आम की लकड़ी को उपयोग करो जय है। आचार्य ने रणवीर शास्त्री दीपक शास्त्री आचार्य अविनाश शास्त्री महेंद्र देव हिमांशु मवासी सिंह शास्त्री नरपत सिंह सुभाष कुमार आर मनोज कुमार शास्त्री जनेश कुमार सत्र प्रकाश शामिल रहे। गौरतलब है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को लंबी बीमारी के बाद शनिवार को रात लखनऊ में SPGI में निधन हो गए। तो 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 89 वर्षीय कल्याण सिंह 4 जुलाई से SGPGI में भर्ती हथे। अगली खबर है भैया अहमद शाह मसूद ने तालिबान को दिखाई ताकत। बगलान प्रांत में हमला करके 300 लड़ाके मार गिराए। अफगानिस्तान पर कब्जा जमा चुके तालिबान को करारो जवाब मिल रहा है। बगलान प्रांत के अंदराब में तालिबान पर घात लगा के हमला करोगे इस हमला में कम से कम 300 तालिबानी मारे गए हैं। आपको बता दें कि जी समूह ने जो हमला करो है उनको नेतृत्व अहमद मसूद और अमरुल्ला सालेह कर रहे हैं। इनकी जवाबदारी BBC पत्रकार यादला हाकिम ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि इनके पहले अफगानिस्तान में पंजशीर के शीर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के लड़का अहमद मसूद ने तालिबान के संगे जावे के दावे को खारिज कर दो। तो मसूद ने कही है कि वो अपने पिता की नक्शे कदम पर चलें और तालिबान के सामने आत्मसमर्पण नहीं करें। संगे संगे तालिबान को ललकारत भयो ने कही है कि विरोध की शुरुआत हो चुकी है जो आगे और जम के हुई है। अगली खबर इंदौर से। इंदौर में युवक की पिटाई मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल। मंत्री बोले फर्जी नाव बदल के बेच रहे तो चूड़ी। 4 जिलों में भारी बारिश को अलर्ट। 28 में हो सकत है बूंदा बांदी। मध्य प्रदेश में 3 दिन पहले थोड़ी बारिश नमी थमी लेकिन पिछले 2 दिनों में लगातार मूसलाधार बारिश को दौर
फिर से शुरू हो गए। राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने आज फिर चार बड़े जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी करी है। चार जिलों के अलावा 28 जिलों में आंधी चलबे के संग बिजली गिरबे को भी अलर्ट जारी करोगे। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करोगे। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान जारी करें तो भाई बताओ है कि चार जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। इनमें से धार, देवास, उज्जैन और रतलाम जिलों के अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के संग बिजली गिरबे की संभावना है। अगली खबर आ रही भैया, सलाहकारों पर बुरी तरह से घिरे सिद्धू। मनीष तिवारी बोले, ऐसे लोगों को कांग्रेस छोड़ो चाहिए, देश में रहने को हक नहीं है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपने सलाहकारों को लेकर बुरी तरह से घिर चुके हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने सिद्धू के दो सलाहकारों को कथित विवादित टिप्पणी को लेकर सोमवार को पार्टी नेतृत्व से पे आत्ममंथन करने को आग्रह करो है। संगे संगे उन्होंने जो भी कही है कि का ऐसे लोगों को पार्टी में रव चाहिए जो जम्मू कश्मीर को भारत को हिस्सा नहीं मानत और जिनको रुझान पाकिस्तान समर्थक है। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत एस सिद्धू के सलाहकार प्यारी लाल गर्ग और मलविंदर सिंह माली की पाकिस्तान और कश्मीर पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी से ने पूछो कि का ऐसे लोगों को देश में रहने को अधिकार है, पार्टी में रहो तो दूर की बात है। अगली खबर है अफगानिस्तान से। अशरफ गनी के भाई की भारत को सलाह, तालिबान को स्वीकार करो सलाह ने कई बेवकूफ, सलाह को कई बेवकूफ। काबुल, अफगानिस्तान के अपदस्थ राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हसमत गनी ने भारत को तालिबान के संग रिश्तन पर सलाह दी है। पेशे से बिजनेसमैन हसमत गनी कुछ दिन पहले ही तालिबान में शामिल हो गए थे। उनने एक इंटरव्यू में कही कि भारत के संग तालिबान से राजनीतिक संबंध बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उनने संदेश में कही है कि दुनिया तालिबान को स्वीकार करे भले ही करे ना करे, उनको समर्थन ना करे। हसमत ने अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति तालिबान को काय स्वीकार करोगे बताओ जा रहा हूँ कि NDTV के संग बातचीत में हसमत गनी ने कही है कि अस्थिरता से बचबे के लाने तालिबान को स्वीकार करूँ। तो गनी ने जो भी बताओ है कि तालिबान के हाथ में अफगान सरकार की बागडोर सौंपने में मदद करवे के लाने उनने अफगानिस्तान में रुकबे को फैसला करूँ। उनने जो भी कही है कि हमने अब तालिबान को समर्थन नहीं करोगे। अगली खबर आ रही भैया वैक्सीन को लेके। वैक्सीनेशन में लापरवाही, अब तक 7,90,000 लोगों को टीका, 81,000 ने नहीं लगवाओ दूसरों डोज। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में लापरवाही करी जा रही है। गाइडलाइन के अनुसार वैक्सीनेशन को दूसरा डोज निर्धारित समय पर लगवा वो बेहद जरूरी है, लेकिन जिला में दूसरा डोज समय पर नहीं लगाओ जा रहा है। बहुत से ऐसे आदमी हैं जिन्हें 4 से 5 महीना गुजरने के बाद भी दूसरा डोज नहीं लगवाओ। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ के 81,709 पहुँच गई। जिले में अब तक को वैक्सीन और कोविडशील्ड को मिला के कुल 7,90,000 लोगों को टीका लगा हुआ है, जिनमें 6,87,521 ने पहले और 1,02,687 लोगों ने दूसरों जो लगवा भाई अपना टीकाकरण कंप्लीट कर लो है। उतई जिला के 81,709 लोगों को कोविड 19 से बचाव को दूसरों डोज नहीं लगवाओ है। इसे जिला में लगातार सेकेंड डोज की संख्या बढ़ जा रही है। दूसरों डोज लगवावे के लाने लोगों की संख्या बढ़ रही है। 135 दिन बीत गए पे भी दूसरों डोज की फुर्सत नहीं। शहर में 51 वर्षीय PK शर्मा ने 7 अप्रैल 2021 को कोविडशील्ड को पहले डोज लगवाओ हो तो इसके बाद उनके पारिवारिक परिस्थितियों के चलत भय समय नहीं मिलो दूसरों डोज नहीं लगवा पाए। शर्मा ने बताओ कि पहले डोज लगवावे के बाद भी परिवार के शहर मेहंदीपुर बालाजी चले गए थे। उतर से लौटबे के दौरान कार कोई एक्सीडेंट हो गया और परिवार के लोगों को इलाज करावे में व्यस्त हो गए। तो जे हती भैया हर ई बेरा की खबरें, फिर हम खबरें लेके अपन वरन के बीच में हाजिर होगी। तो बुंदेली चुगली रेडियो से मोए देव इजाजत। सभी जनन खो राजेंद्र त्रिवेदी की राम राम।